वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो एक इमेजिनेशन पर आधारित है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अभी तो कोरोना पर काबू नहीं मिल पाया है, रोज लाखों आदमी मर रहे हैं। पहले से ही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि क्या होगा इस दुनिया का जब एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आएगा? तब कैसे रहेंगे इस दुनिया में? क्या कोई बचेगा या फिर इस दुनिया का अंत होगा? कोरोना के बारे में हम लोग तो काफ़ी हद तक जानते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट रहे, जैसे कि मास्क लगाना और दूरी बनाकर रखना, जैसे होम क्वारंटीन। ये तो कोरोना से बचने का तरीका हुआ। आइए जानते हैं कि कोरोना से ज़ॉम्बी में लोग कैसे बदल सकते हैं। अब के समय में कोरोना की वैक्सीन हर एक एरिया में लग ही रही है, लेकिन कुछ लोग इसे अभी भी मजाक समझ रहे हैं या फिर अफवाह। लेकिन क्या आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में जानते हो? अगर आप भी इसे कोरोना के जैसे समझ रहे हो तो आप बहुत गलत हो। कोरोना को समझने के लिए हमें 2 से 4 महीने लग गए थे कि ये क्या है और कहां से आया था। मान लो कि किसी एक इंसान को कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है और हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया और इस बार वो हॉस्पिटल जाने के बजाय घर में ही रहा। उसको लगा कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, वैक्सीन तो लगी ही है, पर शायद अब उसकी ये भूल थी। उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट तो अब हो ही गया था। एक बार रात में वो बहुत तेज से चिल्लाने लगा। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर उसके घर वाले उसके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखा कि वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहा था। ये देखकर उसके घर वाले एम्बुलेंस को फ़ोन करने ही जा रहे थे कि जैसे ही उसने एक अपने फैमिली मेंबर्स के गले पर जोर से काट लिया, इतना तेज से काटा कि गले की मांस बाहर आ गई। जब उनकी फैमिली वाले ये सब देखे तो उनकी होश ही उड़ गए कि इसने ये क्या किया। जिसको काटा था अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगा और वो दोनों ही मिलकर अपने और फैमिली मेंबर्स को काट लिए और ऐसे करके उसकी पूरी फैमिली ज़ॉम्बी बन गई। तब उसके घर में से इतनी आवाज़ें आने लगी कि उसके आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब उसके घर में जाकर देखा तो इससे पहले अब तो कम से कम 12 से 15 ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब तो वो सब मिलकर अपने ही एरिया वाले को काट रहे थे। ये तो स्टार्ट अब हुआ है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की जर्नी। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे और बताएं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करके जरूर बताइए।